Hi guys, my name is Shant. Today we are going to study English grammar chapter 1 types of adjective. So first we will know how many types of adjective are there. I will tell. There are 7 types of adjective. Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, possessive adjective, demonstrative adjective, interrogative adjective and disjunctive adjective. Today I am going to teach you some five adjectives. Okay, so let's start. So first we will know what is adjective of quality. So what is adjective of quality? Adjective of quality means the thing what kind of. Okay, what kind of size, color, shape, material or special quality. Okay, so here is a example. Size, color, shape. Material or special quality. Okay, so here some examples. The school has a big play a school has a playground. A school has a big playground. तो big हो गया कि वो कितना है, बड़ा है, छोटा है या है नहीं, तो ये हो गया big playground. तो next example है a yellow building. ठीक है, तो a yellow building, हमने क्या बोल, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, हम what is adjective of quality, साइज हो सकता है, किसका कलर हो सकता है, किसका शेप हो सकता है, किसका मटेरियल हो सकता है और किसका स्पेशल क्वालिटी हो सकता है. तो यहाँ पे अ येलो बिल्डिंग, अ येलो, येलो एक कलर है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे जाता है. तो येलो हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो नेक्स्ट एग्जांपल इज circular corridors and circular corridors and helpful teachers. Circular corridors and helpful teachers.
तो सर्कुलर क्या है? एक शेप पे जाता है, मतलब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे जाता है। सर्कुलर कॉरिडोर्स एंड हेल्पफुल टीचर्स। हेल्पफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव क्वालिटी, क्योंकि हेल्पफुल क्या होता है ना कि ये तो हेल्पफुल साइज नहीं है, कलर भी नहीं है, शेप भी नहीं है, और ना कि तो मटेरियल भी नहीं है। ये स्पेशल क्वालिटी है, मतलब एक परसेंटेज स्पेशल क्वालिटी है। हेल्पफुल एंड द हेल्पफुल टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप एडजेक्टिव टेल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप तो समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो इसमें क्या होता है, हमने जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में साइज, कलर, शेप, मटेरियल, स्पेशल क्वालिटी होता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मोर, सम, लिटिल, इनफ, मच और लॉट ऑफ, मतलब किसी का वेट पूछना या फिर वेट जानना, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। मतलब अ लॉट ऑफ वाटर वेस्टेज बिकॉज ऑफ द लीकेज। You have gave me a lot of milk. There is very little milk. मतलब लिटिल मिल्क है, मतलब कि उसमें आधा मिल्क है, बहुत कम मिल्क है। तो ये सब वेट पे डिपेंड करता है। तो लाइट इसमें हो रहा, जैसे कि मोर, सम, लिटिल, एनफ, मच या फिर अ लॉट ऑफ, ठीक है। तो यह मोर, सम, लिटिल, एनफ, मच, अ लॉट ऑफ, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पे जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे देता हूं, लॉट ऑफ वाटर गॉट वेस्टेड because of the cage. A lot of water got wasted because of the leakage. ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ रहा है, मुझे जितना लगता है कि इधर adjective of quantity में इतना ज्यादा कम, क्या एनफ, इतना एनफ है या फिर बहुत बहुत दे दिया आपने, आपने मुझे बहुत ही पानी दे दिया है। तो ये सब जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पे, ठीक है, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो मतलब ये बहुत इजी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब जो भी सेंटेंस में आई अराइव टू ओ क्लॉक, ठीक है, मतलब मैं टू ओ क्लॉक में पहुंचा। देयर आर फाइव मिस्टेक इन द असाइनमेंट, फाइव एक नंबर है। फर्स्ट एट, फर्स्ट मतलब एट, ये भी एक नंबर है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका ट्वेंटी फाइव, मैनी, लास्ट, या फिर फर्स्ट, या फिर टेंथ, जो भी होना, पर नंबर होना चाहिए। हर सेंटेंस में नंबर होगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देयर आर सिक्स स्टेट इन योर एग्जाम पेपर, देयर आर सिक्स मिस्टेक इन योर एग्जाम पेपर। ये सिक्स हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, तो ये सेंटेंस हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो नेक्स्ट सेंटेंस हुआ We have got the first prize. We have got the first prize in dance competition. We have got the first prize in dance competition. First हो गया adjective of numbers. तो ये दोनों sentence adjective of numbers में जाता है, ठीक है। ये भी clear हो गया, आप चाहे तो इसे याद भी रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद के लिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है हूज, किसका, मतलब इसका मतलब भी है किसका, मतलब कि किसका है ये, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, योर, या फिर ये और किसका है, इसका है, हिज और या फिर उसकी है, फिर